करते हैं बोर्ड पेपर 2022 से क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5। तो यहां पर मीडियन दिया हुआ 34.5 और यहां पर जो एक्स की वैल्यू है वो हमको पता करना है और ये डाटा दिया हुआ है यहां पर, इधर है क्लास इंटरवल, इधर है फ्रीक्वेंसी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसे कि ये सेम डाटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, अब हमें यहाँ पर मीडियन 34.5 दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीएफ निकाल लेंगे, सीएफ जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसका एक टेबल हमको बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो इसी से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर 3 और 5 ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 8 में अगर 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 में 10 ऐड करेंगे तो 29, फिर 29 प्लस एक्स इसी तरीके से, और 29 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस एक्स, और 32 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34 प्लस एक्स। तो इस तरीके से जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि मीडियन दिया हुआ 34.5 तो इसे हमें क्लास इंटरवल से स्टार्ट करना है। तो ये जो वैल्यू है 34.5 कौन से इंटरवल में आ रहा है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 40 के बीच में 34.5, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 30 और 40 के बीच में जो ये डाटा है, जैसे 34.5 तो इसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी में होता है 10, ये हमारा F होता है, और इसके बाद में इसके सीधे जाके और फिर जो हम ऊपर जाएंगे इससे जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है इसके सीधे जो भी नंबर होगा इसके ऊपर वाला जो नंबर है वो हमारा CF हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मीडियन जैसे दिया हुआ, तो जो यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया तो इसको हम बोलेंगे कि ये L है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, जो L है ये है 30 और फिर उसके सीधे फ्रीक्वेंसी में इसके सीधे सीधे जो भी नंबर होगा इसको हम F बोल देंगे, ये हो गया 10, और F के सीधे जो नंबर होगा इससे जस्ट ऊपर इसको बोलेंगे CF, तो ये है 19। उसके बाद में यहाँ पर जो डिफरेंस है नंबर का वो है H 10, जो 10 और 20 और 20 30 जैसे डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ क्लास साइज, इसको हम 10 ले लेंगे, H इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से हमको ये जो सारा डाटा है L, F, CF और H ये मिल चुका है। अब हम इसके अंदर जो मीडियन है इसका फॉर्मूला लिख के और उसके अंदर जितने भी वैल्यू है उन सभी को हम पुट कर देंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करके जाना अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो, क्योंकि अभी मेरे लिए यही मोटिवेशन है। और आगे इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर जो मीडियन है, मीडियन 34.5 दिया हो, तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। अब क्योंकि यहां पर जो मीडियन है वो 34.5 दिया हुआ तो ये 34.5 हो जाएगा, फिर है एल तो जो एल है यहां पर ये है 30 प्लस एन बाय टू, तो यहाँ पर ये जो एन है एक्चुअली में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जो एन है ये टोटल सम करके आता है। तो क्योंकि हम टोटल सम करते हुए इस तरीके से आए थे तो जो नंबर यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, मतलब 34 प्लस एक्स, तो ये हमारा एन हो जाएगा। तो जो एन है ये हो गया 34 प्लस एक्स, ये एक्स है तो 34 प्लस एक्स, क्योंकि ये एन है तो एन बाय टू मतलब अपॉन में हमें टू भी लिखना पड़ेगा, माइनस सी एफ, और सी एफ है यहाँ पर 19, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई में H और इसके नीचे है F मतलब 10 और मल्टीप्लाई में है 10। तो सबसे पहले 10 से 10 यहां पर हम कैंसिल कर देंगे, अब जो नंबर बच गया जैसे 30 इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 34.5 माइनस 30, और इधर जो बच गया 34 प्लस एक्स अपॉन 2 और एक है माइनस 19, तो ये हो जाएगा 34.5 माइनस 34.5 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 2, और जो माइनस 19 है इसको भी हम इधर ले आएंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस 19, तो 19 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23.5 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स, और अगर हम इस 34 को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 47 माइनस 34,
तो ये हो गया 7 माइनस 4 3 और यहां पर 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1, तो जो x की वैल्यू है ये आ जाएगा 13। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।